हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आ गए हैं किचन में, ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और ब्रेड, बिस्ना ब्रेड काफ़ी टाइम बाद बना रही है वाले। सबको पसंद है ये वाले ब्रेड, बन देखा होगा आप लोगों ने बनाते मुझे। तो एक्चुअली आज तो आवाज निकल रही है, लग रही है आप लोगों को आवाज सुनने में कैसी लग रही है मेरी? हाँ थोड़ा थोड़ा अभी है गले में, लेकिन काफ़ी हद तक सही लग रहा है मुझे। मुझे इतना वो फील हो रहा था, ऐसा अंदर ना बता नहीं सकती, मैं इतनी घुटन महसूस कर रही थी, बोल नहीं पा रही थी ना किसी को, तो बहुत ज़्यादा मुझे अंदर से इतनी घुटन लग रही थी कि मेरी आवाज़ क्यों नहीं निकल रही। मतलब बोलने की कोशिश भी करूँ, किसी को आवाज़ भी देने की कोशिश करूँ तो वो निकल ही नहीं रही थी। तो इतना मैं बता नहीं सकती कैसे क्या होता, मैं आपको क्या फील कर रही थी मैं उस टाइम पर। अभी भी अंदर है, अंदर जैसे मुझे थोड़ा उससे बोलना पड़ रहा है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक निकल गई है ये। अब तो 6 दिन हो गए, आज 7वां दिन है। तो चलिए इतनी तो निकली, अब और हो जाएगी धीरे धीरे, सही शाम तक शायद और हो जाए। कल सुबह भी ना ऐसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा निकली थी, शाम को काफ़ी लगी मुझे कि ना हाँ शाम को अच्छा सा लग रहा था मुझे, ऐसे ही शाम तक शायद बिल्कुल क्लियर हो जाए आवाज़। क्या एक्चुअली क्या था कि ऐसे होली, छोटी वाली होली से ही हुई थी और अब हो गए 7 दिन हो गए, मतलब सारा त्यौहार ऐसा ही निकल गया मेरा। तो त्यौहार पे नहीं तो होता ना, हम लोग जैसे कहीं जाते हैं किसी घर में ले जाते हैं, हमारे आते हैं मतलब हमारे घर तो आए थे, लेकिन मैं हम लोग किसी के घर नहीं जा पाए, कहीं किसी से मिलने भी नहीं जा पाए। और मैं उनको बोल रही थी ना मेरा त्यौहार सारा खराब हो गया यार, ना किसी से बोलने के, ना किसी से फ़ोन पर बात करने के, किसी से फ़ोन पे बात भी नहीं हुई, एकदम विश करते हैं या किसी को भी कुछ भी नहीं, बस मैसेज के थ्रू ही सबसे मतलब वही मैसेज किया बस। तो चलो इतनी निकली है तो कम से कम मुझे राहत सी आ गई है। तो दोस्तों बस बन गया ब्रेकफास्ट, शगुन तो अपना करके चला गया, शगुन अपना कॉलेज गया क्योंकि उसके अपने टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, तो स्कूल अपना कॉलेज गया। सार्थक के कल आ गए हैं, बुक्स वगैरह आ गई हैं कल, फिर कवर वगैरह चढ़ाएंगे आजकल में चढ़ाते हैं क्योंकि इनके स्कूल 3 या 4 तारीख से खुल रहे हैं, तो हो जाएगा तो चढ़ा देंगे कवर। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। तो दोस्तों किचन से फ्री हो गई, नाश्ता वगैरह सबको करा दिया और उसके बाद थोड़ी खाने की भी तैयारी कर दी। मैंने सब्जी बना दी है आलू और बंद गोभी की, तो वो बना के किचन विचन साफ़ करके फिर आ गई अपना रूम में। आज कपड़े धोए थे मैंने, जब मशीन लगा दी थी जैसे नाश्ता बना रही थी मैं, उसके बीच में मैंने मशीन भी लगा दी थी, तो अपना धो के सूखा भी दिया क्योंकि धूप बहुत अच्छे से निकल रही है तेज़, तो फटाफट सूख गए कपड़े और ले गई मैं। अभी रह गए हैं तय करने के लिए, तो बस तय कर लेती हूँ उन्हें, कुछ जो है तय करने वाले वो साइड में कर दूँगी, जो प्रेस के हैं उनको साइड कर दूँगी, फिर उसके बाद प्रेस मतलब बाद में करूँगी, तय करके अभी रख दूँगी, प्रेस शाम वाम को करूँगी क्योंकि लंच का टाइम हो जाएगा फिर। तो लंच हमारे 1:30 से 2 के बीच खा लेते हैं खाना, तो फिर थोड़ा सा अपना यही करने में टाइम लग जाएगा। तो बच्चे अपना देख रहे हैं टीवी, बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो अपना कार्टून वगैरह देख रहे हैं टीवी में, तो दादी को लगाए रखते हैं वो खाली होंगे तो कार्टून देखेंगे या खेलेंगे, या दादी को कैरम बोर्ड वगैरह पे अपना लगा रखते हैं। तो अभी खुल जाएंगे स्कूल अभी उनके 2-4 दिन बाद, फिर बिजी हो जाएंगे वो। तो चलिए दोस्तों पहले कर लेते हैं काम, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों जा रहे हैं बच्चों को लेके घुमाने के लिए, 8:15 बजने वाले हैं। तो बच्चों को हो रहा है कि सार्थक को बहुत दिन से, जब से छुट्टियाँ हुई हैं तब से कहीं गए भी नहीं हैं, तो बहुत दिन से बोल रहा है कि ना मम्मा कहीं घुमा के लेके मेरी छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं, उसके स्कूल खुलने वाले हैं 3 तारीख से, तो बहुत पीछे पड़ गया आज तो लेके चलो। तो मेरे कई दिन से तो गले की आवाज़ नहीं निकल रही थी, तो इसकी वजह से कुछ कह भी नहीं रहा था कि कैसे जाएंगे, मम्मा तो बोल ही नहीं रही है, तो आज आवाज़ थोड़ी सी सही लग रही है तो बोल रहा है आज ही चलो फिर, क्योंकि आप ऐसे कहते रहोगे मेरे को लेके नहीं जाओगे, तो आज ले जाते हैं कहीं पर घुमा लाते हैं उनको। कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ लेके जाएं बच्चों को घुमाने का, बच्चों को कहता है कि चलो ले जाते हैं कुछ खिला पिला लाएंगे उनको। तैयार हो गए हैं बच्चे, अपना चले गए हैं बाहर और हम भी हो गए तैयार, निकलते हैं हम भी, चलते हैं फिर घुमा लाएं कहीं पे, देखते हैं अब कहाँ लेके जाएंगे उन्हें। कर आइए चलो
चलना ही नहीं चाह रहा अभी तो इतनी देर से कि चलो चलो चलो। दोस्तों ये है ठंडी सड़क, तो यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। दोस्तों ये है पार्क और ये ठंडी सड़क, इसे ठंडी सड़क बोलते हैं। इसका नाम बहुत ठंडा रहता है ये वाला एरिया, इसलिए इसका नाम ठंडी सड़क है। तो दोस्तों यहाँ रुक गए हैं अभी हम फिलहाल कल्याण सिंह हैबिटेट पे। बच्चे अपना बोला थोड़ा यहाँ पे कोई फोटो वोटो क्लिक कर लेते हैं, थोड़ा हम उनको बनाने हैं कोई वीडियो। तो इसलिए रुक गए कि उसके बाद चलेंगे आगे घूमने। अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ये लाइटिंग वाइटिंग सी ऐसी ना अच्छी लगती है। पीछे जवाहर पार्क तो मस्त लगता है, ये वाला एरिया बहुत अच्छा लगता है। सार्थक कुछ कह रहा है, रात को ज्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे, रात को अच्छा लगता है ज्यादा यहाँ पे लाइटिंग की वजह से। बना लो फटाफट बना लो अपनी जो भी बनानी है। दोस्तों ये है पापा का ऑफिस, यहाँ पे आते थे पापा, दादू आते थे पहले। हाँ चलो पापा के आगे खा रहे हैं टिक्की, गर्मा गर्म टिक्की। क्या खाए जा रहे? पाव भाजी। मम्मी के लिए भी ले लिया है ये, तो चलते हैं घर। तो दोस्तों आ गए घर, ये घुमाए महाराज। कैसा रहा? घूमना हो गया, इतना पीछे पड़ रहा था, इतना पीछे पड़ रहा था। घूमने चलो, घूमने छुट्टी तो खत्म होने वाली है एक दो दिन में। आया आया कि नहीं आया? तुम जो सोच रहे थे वो हुआ कि नहीं हुआ? खाया पिया मस्त आराम से, अपनी अपनी फेवरेट चीज सबने खा ली। पहले वहाँ घूम लिए, वहाँ जो लाइटिंग वाइटिंग घूम लिए अच्छे से, सारा वो लाइटिंग वगैरह देखी, कितना अच्छा खूबसूरत लग रहा था। पाव भाजी खाई, फिर कुछ नहीं खाया, बस अब तो चलो हो गया था, हो गया। फिर गर्मी लग रही थी से बहुत, चलो घर चलो जल्दी। गर्मी तो दोस्तों इतनी हो गई है, एकदम से हो गई है बहुत ज्यादा। जैसे ही मतलब होली हुई है, होली के बाद से इतनी गर्मी, पता नहीं मैं तो, मेरे को तो, मैं बड़ा दुखी भी हूँ इससे कि इतनी जल्दी इतनी गर्मी आ गई है। जल्दी क्यों आ गई? नहीं दुखी ये हूँ कि टेम्परेचर इतना बढ़ना ये अपने प्रकृति के लिए नुकसानदायक है ना, इसके लिए मुझे थोड़ा सा बोला। अभी अप्रैल भी नहीं आया, मतलब पंखे चलने लगे हैं फुल पे, तो इसका मतलब सोचो कि मई अप्रैल पूरा पड़ा है, मई जून में होगा क्या, क्या होगा? ये ऊपर वाले थोड़ा सा तो रहम कर, अब प्रकृति के विरुद्ध चलते हम, थोड़ा सा हम प्रकृति का, प्रकृति के फ्रेंड बने थोड़े से हम, समझे? और कह रहा पानी कितना शुद्ध निकलता था, उसी को सब लोग पीते थे, लेकिन हमने अंदर गंदगी कर करके पानी में, फिर अब आरओ का पानी पीना पड़ता है, मिनरल वाटर पीने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमने गंदगी नीचे कर रखी है, ऊपर गंदगी कर करके पेड़ काट काट के ये कर करके सारा टेम्परेचर एकदम बढ़ा दिया है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें भी ध्यान देना होगा, और कोशिश करते रहिए दोस्तों कि प्रकृति के दोस्त बने हम, समझे? इसीलिए तो गर्मी इतनी बढ़ रही है। प्रकृति क्या समझिए, समझ गया। चलो चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।